शिवा जाना है अपना मुख्य अतिथि उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है यंग बॉयज क्लब की तरफ से। अल्लाह हजारे इस भजन संध्या में आप लोगों ने हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को सहयोग के पात्र बना दिया है। आप तमाम लोगों से अन्ना हजारे बॉयज के तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। इस महाछठ पर्व के शुभ अवसर पे आज हमारे बीच भजन संध्या का जो प्रोग्राम रखा गया है, आप सभी लोग जो हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि इतना कीमती समय निकाल के आए हैं, जाइए एक बार जोर से, इतना कीमती समय सब निकाल के लोग आए हैं हमारे बीच में। आइए, बहुत सारे अतिथि आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय चाचा जी। और श्री सरयू राय जी और आदरणीय अंकल जी चंद्रगुप्त सिंह जी और यहाँ जी बात है कि इच्छा हो कि तभी कोई आते हैं। वही जब से मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे कानों में सिर्फ दो आवाज आ रही थी, तालियों की आवाज और एक जय जयकार की आवाज। तो मुझे देखना है जो जमीन पे बैठे हैं जमींदार, जो कुर्सी पे बैठे हैं कर्जदार, अजय चौकी पे बैठे हैं चौकीदार, इन सभी भक्तों में से ऐसे कितने भक्त हैं जिनकी श्रद्धा पूरी पूरी हमारे माता रानी की तरफ है। जरा हाथ खड़े करके बताना है। मैं पटना से आ गई बट आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। कौन सा रंग? हम लोग चैन भगवान बिरसा मुंडा की झारखंड धरती और जमशेदपुर शहर हमारा बहुत निराला शहर है। हम जो यहाँ बैठे हैं वास्तव में एक पूरा परिवार यहाँ बैठा है। बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शहर के नामचीन हस्तियां बैठी हैं। कुछ नामचीन हस्तियां भी हमारे बीच से अन्य कार्यक्रम में गए और जिस परिपेक्ष में ये आयोजन हुआ है और हो रहा है, छठ मैया की गीत जब बजती है तो अंदर से एक रूह लगता है कि एक जागृत हो रही है, एक तरंग उत्पन्न होती है, आभा मंडल मानो कि पूरी तौर पावन हो जाता है। और जमशेदपुर शहर में आप देखेंगे एक ऐसा शहर है, सभी धर्म वर्ग के लोग मिलकर के छठ मैया की आराधना करते हैं। और छठ मैया की ये जो परंपरा बनी है छठ पूजा की, ना जाने कितने लंबे काल खंड से हमारे पूर्वजों ने हमें इस रीति रिवाज, इस परंपरा, इस पावन बेला के साथ जोड़ के बांध के रखने का कार्य किया है। मां की कृपा,
हम सभी में बनी रहे। माँ हमें सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, शक्ति दे, माँ हमें धैर्य दे। धैर्य एक ऐसा शब्द है जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में, क्योंकि जब हम एक मानव योनि में जन्म लेते हैं तो ये जीवन जो चक्र होता है ये हमें हर प्रकार के रंग दिखाता है। दुख सुख आनंद, बहुत ज्यादा आनंदित भी होते हैं, बहुत ज्यादा गम और दुख की बेला भी हमारे बीच आती है। लेकिन हर परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में हम अगर धैर्य पूर्वक किसी भी स्थिति को सामना करें और माने कि इसी में माँ की रजामंदी है, महादेव की रजामंदी है, वाहेगुरु की रजामंदी है, उस परम पिता परमेश्वर की रजामंदी है, और इस स्थिति को हमें बहुत ही धैर्य पूर्वक, और जमशेदपुर जब एक अच्छा निराला शहर है तो कोविड कालखंड ने हमें दिखाया है कि आस और पड़ोस की जो प्यार, समरसता, भाईचारा, ये कहीं से खरीदा नहीं जा सकता और जिसकी कोई मूल्य नहीं है। आप चार भाई हैं, पांच भाई हैं, तीन भाई हैं, आने वाले समय में तो चार पांच भी नहीं रहेंगे, एक या दो ही रहेंगे। उसमें मालूम चलेगा एक बॉम्बे है, एक अमेरिका है, एक दिल्ली है, एक जमशेदपुर में है। तो जो आस और पड़ोस है, आपने देखा होगा कोविड कालखंड में किस प्रकार से पड़ोसियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने का काम किया। इसलिए तमाम परिस्थिति में अपने पड़ोसी को सम्मान देना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बस्ती क्षेत्र है और आप सब आस पड़ोस के लोग यहां बैठे होंगे। आस और पड़ोस को छोटी छोटी बातों से हमें कभी अनादर ना करें, किसी का मन दुखी ना करें, किसी के ऊपर बाहुबल का प्रयोग ना करें किसी के ऊपर में। और जो घर में बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सदैव मान और सम्मान देने का काम करें, यह हमेशा प्रयास में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हर जगह कहता हूं, तमाम अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थनाएं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर लीजिए, माँ आपसे तभी खुश होगी जब घर में बैठी माँ आपकी खुश है, जब घर में बैठा बुजुर्ग आपका खुश है। और आप लाख आडंबर करें, अनुष्ठान करें, बड़े बड़े भंडारा लगाए, बड़े बड़े इस प्रकार की भजन मंडलियों को ला करके हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित कर लें, लेकिन जो घर में बैठी देवी है, जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया है, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो ये सभी अनुष्ठान बेकार है, पूरी तरीके से बेकार है। इसको सदैव अपने हृदय के एक प्रमुख दरवाजे पे बांध करके रखने का काम करें। और मैं बहुत ही सुंदर ये जो मंच सजा है, अभी मैं वहां से दीप प्रज्वलित करके आया और इतनी सुंदर मंडली, मैं बहुत आनंद ले रहा था। दो एक जगह और जाना है। आयोजन समिति के बारे एक शब्द कहूंगा, हमारे यहाँ तोतेबाजी और सिंह साहब निकल रहे थे और बाकी अतिथि निकल रहे थे, मैंने रोका, आग्रह किया। देखिए आयोजन जो होता है ना, जैसे छोटा सभी आयोजन है, एक भजन संध्या है, इस आयोजन को करने के लिए आयोजन समिति जानती है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी तीन के जोड़ जोड़ कर करके ये आयोजन होता है और बहुत मेहनत लगता है। इसलिए ये आयोजन करने वाले सभी आयोजन समितियों के सदस्यों को, जिन्होंने परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग किया है इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को सफल बनाने में, एक बार हमारी बहनें माताएं जो बैठी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। आज के जीवन में जब हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग रंग मंच पे हम कार्य को कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में इस प्रकार के भक्ति भाव वातावरण को पुनर्जीवित करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो वास्तव में उनको प्रति मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस प्रकार के आयोजन समितियां और बड़े संख्या में जन्म लें और बड़ी संख्या में आगे आए तो जाकर के हमारी संस्कृति जो हमारी है, जो पूर्वजों ने बताई हमें, और इसे संभाल के रखने में हमें बड़ी दिशा मिलेगी। मुझे मालूम है कि मैं ज्यादा बोल गया, मुझको इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब माइक हाथ में आया है और विषय छठ भैया का है तो कम शब्द में भी नहीं बोला जा सकता। मैं इतना ही कहूंगा, जितनी भी हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जिन लोगों ने भी छठ भैया का अनुष्ठान किया है, मैं उन सब के लिए माँ के चरणों में अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हे माँ, सतबुद्धि देना, धैर्य देना और सभी प्रकार। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं, और आज
अन्ना हजारे फ्रेंड्स क्लब सनी सिंह, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अन्ना हजारे कहें तो जमशेदपुर के अन्ना हजारे हमारे सनी हैं। आज इन्होंने वो काम कर दिखाया है कि जमशेदपुर में कुछ दिनों से बहुत बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल चल रही थी। आप सबों को पता होगा कि छठ व्रत हुआ है और उसमें कुछ हमारे शहर में डिस्प्यूट हो गए थे, लेकिन आज मैं पहली बार देखा इस लोयला ग्राउंड के सामने, इस रोड पर बिरसा नगर में, कि सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के बड़े नेता इस मंच पे आए और प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया और सनी को आशीर्वाद दिया और बेहतर तरीके से काम करने का आश्वासन दिया हमारे इन सब जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लब है एक बहुत बड़ी अनुष्ठान करती है लोगों को जोड़ने का, लोगों में एकता का, भाईचारा का। तो मैं सनी से ही जानना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा कैसे मिली और सनी इसका विजन आगे आप क्या फ्यूचर देखते हो? मैं तो फ्यूचर बहुत कुछ देखता हूँ कि जो हम लोग आज साक्षी जाते हैं बड़े बड़े कलाकार को देखने के लिए, तो आज हमारे बिरसा नगर जोन नंबर 1 भी में भी वैसा कलाकार आ पाए ताकि हमारा भी बिरसा नगर जोन नंबर 1 भी का नाम हो पाए। और आज हमने सबको बुलाया और हम तो माता रानी से ही करते हैं विनती कि जो भी आज छठ मैया का जो भी हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन राजनीति में जो भी हो रहा है हम तो माता रानी से आज यही विनती करेंगे कि सब नेता एक हो जाएं और जनता के लिए काम करें और आपस में मतभेद छोड़ के जनता के लिए, आपको जनता ने चुना है, आइए जनता के लिए मिल के काम करें। लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है, अब एक साथ मिल के मंच में और अच्छा जनता के लिए काम कर पाए। आपने वो कर दिखाया है, आज सभी नेता एक मंच पे आए और इकट्ठे हुए और जनता से काम करने का वादा किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के लिए सनी जैसे युवाओं को? मैं इस आयोजन को शुरू से लेके चला हूँ और सबका साथ के साथ लेके चला हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सारे नेताओं हमारे मंच पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम लोगों का सहयोग दें। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम संजय श्रीवास्तव है। आप इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं जुड़े हूँ और ये सन्नी बाबू को मैं ये देना चाहता हूँ कि सन्नी बाबू शुरू से आज 12 साल से जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और बढ़िया कर रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच एक विशेष मेहमान है फादर, जो हमारे मित्र भी हैं और काफी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आप ये बताइए, जो ये आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक आयोजन है, छठ मैया की पूजा के बाद का आयोजन है, बहुत बेहतर आयोजन है, इसमें आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि आपसे हम सब संदेश की ही उम्मीद करते हैं। ये हम सबों के जो ये मिलन है, हम सबों को एकता और शांति और मेल मिलाप भाईचारे का यह संदेश हमारे बीच में यह पर्व लाता है और मैं यही सोचता हूँ हमारे समाज में शांति की, ईमानदारी की जरूरत है ताकि हम एक साथ रह सकें, तो यही मतलब है यह पर्व की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फादर। अब हमारे बीच बहन ऐसी है कि जो अपनी जिंदगी में एक मिसाल कायम किया है, कामयाबी का एक ऐसा दस्तखत दिया है कि जिससे हमारी यहाँ बैठी हुई हजारों बहनें उससे इंस्पायर्ड होंगी और हमारे राज्य की, झारखंड की बहुत सारी बहनें और बेटियाँ घर से बाहर निकलकर वैसा कारनामा कर दिखाएगी जिससे हमें गौरव होगा। तो अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेमला कर्मकार है, मैं हुलुंग पंचायत की रहने वाली हूँ। जी, आप उस बचाए की क्या है? मैं इस बार जिला परिषद मैं खड़ी थी जी, मैं सेकंड पोजीशन में हूँ। वाह, जिला परिषद में सेकंड पोजीशन में है, गौरव की बात है हमारी बहन के लिए। बताइए क्या कहना चाहेंगी इस आयोजन पर सनी को और बाकी सारे अपनी फ्रेंड्स को, बहन लोगों को? पहले तो मैं हमारे गांव के जितने माता बहने हैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और इस पर्व के शुभ अवसर में सबको बधाई देना चाहती हूँ। हम लोग 13 साल हो गए हैं, हम लोग घाट में भी हम लोग सेवा करते हैं और इस जगह में भी हम लोग जागरण करते हैं, उसके लिए मैं सनी भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक छोटे बच्चे होके भी इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसके वजह से हम गाँव वासियों को एकता और शांति और भाईचारा का वो प्रेरणा देते हैं। मैं सनी भाई को धन्यवाद देते जाते चाहती हूँ और पत्रकार भाई लोगों को जी, भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ने कहा कि मैं सनी भाई को धन्यवाद के साथ हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। अपना नाम परिचय और सभी को जोहार। मेरा नाम लीना मुंडा है और मैं हुलुंग पंचायत की मुखिया पद पे अभी मेरा ये पहला है और
मैं कार्यरत हूँ। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि इतने प्यार और निष्ठा भाव से आज हमारे भी सभी कोई उपस्थित हुए हैं, इस तरह का मेल मिलाव जैसे कि हमें देखने को मिला कि सभी मतलब समाज के लोग और सब पदाधिकारी और आपके जो जितने भी जेएमएम पार्टी हुआ, बीजेपी हुआ, सभी के नेता गण यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे के साथ आपस में तालमेल रखा और सभी ने शांतिपूर्वक इस भजन का आनंद लिया। और सभी यहाँ ग्रामवासी जो कि हमारे हुल्लुंगवासी है, इतना प्यार सम्मान और इतने विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हुए और अपना इतना कीमती समय हम सभी के बीच उपस्थित किए। और माता रानी का कृपा रहा तो हर साल इसी तरह का इससे भी अच्छा मतलब कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। हम सभी के विश्वास और बहुत 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 धन्यवाद। ये बहने हमारी एक समाज की एक ऐसी प्रतिष्ठित पदों पे हैं कि जिससे लोग गौरव करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब, हम सब लोग मिलकर अपनी बेटियों को, खास करके अपनी बहनों को, बेटियों को घर से बाहर उस ऐसे माहौल में ऐसे प्रोटेक्शन और ऐसे शिक्षा दें कि जिससे वो जीवन में गौरव का पात्र बन सके। और सनी को इस कार्यक्रम के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।